फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए उड़द दाल बड़ी और आलू की सब्ज़ी की रेसिपी लेके आए हैं, जो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है इसकी और अधिकतर लोगों को पसंद आती है इसकी सब्ज़ी। तो चलिए आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। तो ये देखिए, बड़ी को मैंने फ्राई कर लिया है अच्छे से। ये देख सकते हैं, गोल्डन कलर की हो चुकी हैं। तो इधर मैंने उसी सेम कढ़ाई में जिसमें मैंने बड़ी को फ्राई किया था, उसी में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। तो आलू को मैंने डाल दिया है, अब इनको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये जो बड़ी है, बड़ी को मैंने घर पे ही बनाया है, उड़द दाल और मूंग की दाल को मिक्स करके। आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं। इस तरह से आलू को हम कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, आलू भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। देखिए, इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो आलू को हम निकाल लेते हैं। देखिए, आलू और बड़ी को मैंने एक ही प्लेट में रख लिया है। अब चलिए इसकी हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसी कढ़ाई में बचे हुए तेल में हम सबसे पहले डाल देंगे हींग और आधा चम्मच जीरा। जीरा हमारा अच्छे से क्रेक हो गया। अब इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो इसमें मैंने प्याज भी डाल दिया है। प्याज को अच्छे से भून लेंगे। जब तक हमारा प्याज भून रहा है, साथ में ही हम अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसको भी भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये देखिए, प्याज हमारा अच्छे से भुन गया। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर। तो मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इनको कट कर लिया है। इनको भी अच्छे से भून लेंगे। अब इसी में हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो इसी में मैंने नमक को डाल दिया है। अब इसको जब तक भूनेंगे, जब तक टमाटर हमारे अच्छे से गल ना जाएं। इधर मैंने कुछ सूखे मसाले लिए हैं, तो एक चम्मच धनिया पाउडर, सब्जी मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इन मसालों को भिगो देंगे। तो ये देखिए, मसालों को हमने अच्छे से भिगो दिया है। इधर हमारे टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। इन्हीं में हम मसाले डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मसालों को हमें जब तक भूनना है, जब तक ऑयल अलग ना हो जाए मसालों से। फिर देख सकते हैं, मसालों से ऑयल अलग हो रहा है। ये मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब इसी में हम डाल देंगे बड़ी और आलू और इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करीब 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करते रहेंगे ताकि मसाले जो हैं आलू और बड़ी में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सब्जी को अच्छे से फ्राई कर लिया। और इसमें हम डाल देंगे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से पानी डालिए। तो इसमें हम करीब 1 गिलास पानी डाल लेंगे। तो ये देखिए, सब्जी का कलर कुछ इस तरह से आ गया है। अब इसको हम ढक के करीब 5 मिनट तक धीमी आंच में पकाएंगे। ये देखिए, सब्जी बनकर हमारी तैयार हो चुकी है। देख सकते हैं, आलू भी पक गए हैं। तो गैस को हम ऑफ कर देंगे। अब साथ में ही हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, बड़ी और आलू की हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।